मैं और अमन जा रहे हैं जोन बदा पार्क होटल, 5-स्टार होटल है जो कि। मेरे साथ है अमन, ये देखो अमन हाय बोलेगा। तो हम लोग जा रहे हैं, तो आपको ब्लॉग में मिलते हैं, आगे का ब्लॉग ज़रूर देखें। थैंक यू। नहीं ये नहीं भैया। सो अभी हम लोग आ गए हैं जोन बाय द पार्क होटल में। तो अभी चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं कि रूम प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो किया जा रहा है कोरोना वायरस में, और आपको बताते हैं कि क्या क्या ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। कैन यू होल्ड द कैमरा? थैंक यू सो मच। लगेज के पीछे दीजिए। श्योर श्योर। बहुत ज़्यादा मतलब खाली खाली लग रहा। फिर मैंने यहाँ पे रिसेप्शन पे प्रोसीजर फॉलो किया जो फॉलो करना था होटल में एंट्री से पहले, हर होटल में होता है। Come guys, let's go to the room. Oh my god. Show me. Just look at the view. Fifth floor, right? Yes. Guys, just front. Now guys, I'm gonna show you the rooms and अब देखते हैं क्या होगा और यहाँ की व्यूज कितनी ब्यूटीफुल है। मैं आपको रूम में जाके आपको रूम टूर दूंगा और दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी तो मैं फिफ्थ फ्लोर पे जा रहा हूँ। फिफ्थ फ्लोर पे हमें रूम मिली है, रूम नंबर 518। ओके तो चलिए चलते हैं, रूम दिखाते हैं। दिस इज द 518 रूम। 518 यस। मैं आपको ये रूम का टूर देने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये रूम में कोई सर्विस नहीं थी, तो मैंने रिसेप्शन पे कंप्लेन किया। तो उन्होंने क्या किया, फिफ्थ फ्लोर से मुझे 8th फ्लोर पे रूम प्रोवाइड की, जो कि इससे अच्छा था। सो वी आर गोइंग टू चेंज द रूम बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, मतलब रूम बहुत गंदा लग रहा था। वी आर गोइंग टू चेंज द रूम। नहीं लगेज ले लो ना। सो वी आर गोइंग डाउन। So we are going down. Aman को भी पसीना छूट रहा है। Yeah, Aman. So we are going down or down. देखते हैं रिसेप्शन में क्या होता है, और रिसेप्शन में जो भी होता है मैं आपको रूम टूर वो दोबारा दे दूंगा, और देखते हैं क्या होता है, रूम चेंज होता है या नहीं होता। Now we are going to change the room. Hello. हाँ सोनी, कैसे हो? We are going. Which room we have? 817. Yes, sir. Let's go. This is the room. This
ये अमन है। तो ये वॉशरूम है, पहले वॉशरूम टूर दे देता हूँ आपको। वॉशरूम इज गुड, नॉट दैट बैड। ये डीलक्स रूम है, द पार्क, द जोन बाय द पार्क का। इसको रखना। और बाकी सब तो क्लीन लग रहे हैं। ये आपको दिया शेविंग के लिए, ये डिस्पोजल बैग्स है, ये मेड किट है, और ये आई गेस ये हेयर कैप है, एंड ये टिश्यू पेपर्स, सोप। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये शावर एरिया है। शावर एरिया में शैम्पू दिया है, बॉडी वॉश दिया है, ज़रूर तुम्हें लेंगे शावर। तो अब चलिए आपको रूम टूर दे देते हैं। ये मिरर बहुत क्लीन है यार। चलिए आपको रूम टूर दे देते हैं, रूम दिखाते हैं आपको रूम कैसा है। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारा रूम, ये सीटिंग एरिया, एक डोर के पास सीटिंग एरिया है। ये वार्डरोब है, ये वार्डरोब में कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे पक्का लॉकर होगा, लॉकर, यस। अमन इसमें अपना फ़ोन रखे। यहाँ पे लॉकर है और यहाँ पे कुछ सामान है। वाओ, द बेस्ट थिंग इन द रूम व्यू। ये मग्स है, कॉफ़ी, टी, शुगर, एवरीथिंग। वेट कमिंग। ये टीवी है एज यू नो। ये एक बहुत प्यारा सा मिरर है, जो आप रेडी होके आओगे तो यहाँ पे देखना, मतलब बवाल मिरर है ये। एंड दिस इज द रूम बेड, दो लैंपे दिए है। बस शुरू हो गया इसका। और ये व्यू है जो हम लोग वेट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा देखने के लिए। दिस इज द व्यू। शिट, डर लगता है यार। चल ठीक है, उसको बाद में खोलेंगे। बट यहाँ भी एक मिरर दिया है, एक मतलब ये स्टडी डेस्क दिया है, यहाँ पे चेयर दिया है, यहाँ पे नॉर्मल बैठने के लिए सीटिंग प्लेस। और यहाँ पे सारा बारकोड से स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए, आप लोग स्कैन मत कर देना, पैसा कट जाएगा। तो मैं अपना सामान को रखता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे पूछना। मैं हम लोग पार्टी तो है ही नहीं कोई। तो यहाँ पे हम लोग आपको जैसा भी होगा मैं आपको पूरा रूम का मतलब होटल टूर दूंगा। लॉबी में वीडियो करना अलाउड नहीं था, बट अभी हम जितना भी हो सकेगा मैं आपको स्विमिंग पूल वगैरह या होटल के पूरे चारों तरफ के वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। जिम दिखाऊंगा आपको, जिम कहाँ पे। तो तब तक के लिए थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और आपको अपडेट देते रहें। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि अगर आप MMT पे बुक करते हो तो आपको प्राइस हाई मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको हाई मिलेगा। अगर आप होटल में रहना चाहते हो तो आप जाके रिसेप्शन पे डायरेक्टली जाके वहाँ पे बात करो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो अमाउंट हाई रहता है और आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं देंगे। उसमें आपको लिखा रहता है कि आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना है या नहीं, तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन पे ज़्यादा कर रहे हो तो आप वहाँ जाके रिसेप्शन पे अगर डायरेक्ट पे करते हो तो आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। पूरा ये कर रहे हैं। अमन मुँह दिखाओ यार। यो यो यो, क्या यो, खाना ऑर्डर किया इसने, इसको भूख लगी है तो ये देख रहा है। यार बहुत टाइम हो चुका है, खाना भी नहीं खाया अपन ने। चल कॉफ़ी पियेंगे इसके बाद। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सोने, जब तक के लिए खाना आता है तब तक के लिए आप जल्दी। बहुत भूख लगा है जल्दी। रात में निकला था यहाँ पे हवा खाने के लिए, टहलने के लिए, और मतलब क्या बताऊँ, हवा तो बहुत अच्छी चल रही क्योंकि वो खुला जगह है और यहाँ पे इतना सन्नाटा हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोई नज़र नहीं आ रही। कि मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा आप ना, यहाँ तीन ही गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पार्किंग भी नहीं है। अब बाइक की पार्किंग है पीछे वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एंट्री करके आया, टहल रहा था रात को, करीबन 11 बज रहा है अभी। तो देखिए लोग आने करते हैं तो जैसे भूतिया जैसा लगने लगता है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोर है ना, तो कोई होता नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं। बट चलिए अब रूम में चलते हैं और देखते हैं रूम में, फिर बोरिंग हो रहा है, चलिए रूम में चलते हैं। देखिए जस्ट देखो, देखो अंधेरा देख रहे हो आप, किसी भी फट जाए। ऐसे ही अंधेरा देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखो सुबह का फेस।
रात भर हम लोग सोए नहीं, रात भर ये ड्रामा करता रह गया भाई, सोना नहीं है जागना है। दिखाता हूँ सुबह का आपको बाहर का सीन। पहले रूम का हालत तो बहुत, बारिश हो रही है, बहुत जोर की बारिश है ब्रो, बहुत जोर की बारिश है। रूम का हालत तो बहुत ख़राब है। अभी आपको दिखाता हूँ वेदर। ओ भाई इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है। देख रहे हैं आप बारिश की वजह से पूरा मतलब वेट हो रहा है रोड्स एंड ऑल दैट, वो सीन है यार। पूरा विंडो में ओस जम गया है। ये हम लोग भी निकले। क्या है वो, क्या है वो, ये देखो कैसे वेट को फैला के देखो रईस आदमी। उन्होंने सारी प्रोसीजर फॉलो की और हम लोग रूम से निकल के कैब करके घर जा रहे थे। बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और कैब हमें मिल नहीं रही थी। तो आपको कैसा लगा होगा व्लॉग आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आप लोग क्या देखना चाहते हो व्लॉग में, क्या चाहिए आपको, कोलकाता में क्या चीज़ अवेलेबल चाहिए आपको, वो आपको अगर जानना है, अगर आप वहाँ जा नहीं पाते हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। कोरोना वायरस के टाइम में क्या कैसी सिचुएशन है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो तब तक के लिए मेरे व्लॉग पर बने रहें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरे को लाइक दें और सब्सक्राइब दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या गलतियाँ थी।